अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की परवरिश के लिए ज़रूरी नसीहतें। बिस्तर पर अगर बच्चे को पेशाब करने की आदत हो तो प्लास्टिक का टुकड़ा बिछा लें ताकि बिस्तर और चादर ख़राब ना हो। बच्चों को पैम्पर पहनाने से जिंसी आज़ा की नशोनुमा भी मुतासिर होती है, लिहाजा बच्चों को हमेशा साफ़ सुथरा रखने के लिए इसे रोज़ाना नहाने की आदत डालें। नहलाने से आधा घंटा पहले मालिश करें। मालिश के बाद बच्चे के हाथ पैर मारने के लिए खुला छोड़ दें। इसके बाद बच्चे को नहलाएं। बच्चों को गुस्ल मसनून तरीके से कराएं ताकि बच्चे मसनून तरीका सीख जाएं। बच्चों को 7 साल की उम्र में वज़ू और नमाज की आदत डालना शुरू कर दें। बच्चों को इशा के बाद सोने की आदत डलाएं ताकि वो सेहतमंद रह सकें। हमेशा बच्चों को सुबह जल्दी उठने की आदत डालें क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें अल्लाह की रहमत बट रही होती है, लिहाजा बच्चों को इस रहमत से महरूम मत रखें। बच्चों के लिए ऐसे लिबास का इंतखाब करें जो मौसमी असरात से महफूज रखे, जैसे सर्दी और गर्मी से बचाए। बच्चे को आदत डालें कि वो कपड़ों पर खाने पीने की अशिया ना गिराएं। बच्चे की जेब में हमेशा छोटा सा रुमाल रखें ताकि वो नाक और हाथ साफ़ करने के लिए अपने कपड़ों के बजाय रुमाल का इस्तेमाल करे। रात को सोते वक्त बच्चे को कभी भी मोती वाले गोटे किनारे वाले कपड़े ना पहनाएं क्योंकि ये जिल्द में ख़ारिश और चुभन का बाइस बनता है। बच्चों का सर ढांपने का अहतमाम करें, इस तरह गर्मी सर्दी और हवा के असरात से बच्चे महफूज रहते हैं। बच्चियों में दुपट्टा ओढ़ने की वजह से हया बरकरार रहती है, जबकि टोपी या पगड़ी लड़कों के लिए वक्कार का बाइस बनती है। बच्चों को बाहर नंगे पैर जाने से मना करें और हमेशा इनको जूता पहनकर जाने का कहें, क्योंकि जूता पहनकर चलने से ज़मीन में पड़े कंकड़ पत्थर और शीशे कांटे से हमेशा महफूज रहते हैं और मौजी जानवरों के काटने का इम्कान भी नहीं रहता। ऊंची एड़ी वाले या तंग या ज़्यादा खुले जूते बच्चों को मत पहनाएं, इससे गिरने का इम्कान होता है। बच्चे को हमेशा आदत डालें कि वो रात को सोने से पहले दांतों को ब्रश करे, क्योंकि दिन भर के खुराक का कुछ हिस्सा दांतों में लगा रहता है जिससे दांत ख़राब होने का ख़तरा बढ़ जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।